पाकिस्तानी सेना में रहे पिता पर अदनान सामी का खुलासा, बोले वे भारत से प्यार करते थे। संगीतकार और गायक अदनान सामी इन दिनों हॉट टॉपिक हैं। बीते दिनों सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की तो विपक्ष ने इस पर हंगामा कर दिया। स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्री ने इसका जमकर विरोध किया। इन सब के बीच अदनान सामी के पिता अरशद सामी खान का नाम खूब उछला, जो पाकिस्तान एयरफोर्स में अधिकारी थे। कहा गया कि उन्होंने युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ बम गिराए थे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अदनान ने अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते थे। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जब अदनान सामी से भारत में उनके पिता अरशद सामी की आलोचना पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मेरे पिता वही कर रहा थे जो उन्हें अपने देश के लिए करना चाहिए था। एक पेशेवर सम्मानित सैनिक के रूप में यही उनका जीवन था। मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूँ। अदनान ने आगे कहा, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं भारतीय नागरिक बनना चाहता हूं तो उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया। वह कह सकते थे कि आप वहां के नागरिक कैसे बन सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भारत के लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। तथ्य ये है कि वे भारत से प्यार करते थे। कुछ दिन पहले न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में अदनान ने कहा था, मेरे पिता 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के एक फाइटर पायलट थे। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाई। उनको देशभक्ति के लिए सम्मानित भी किया गया। कौन सी दुनिया में ऐसा दस्तूर है, एक बेटे पर आप इल्जाम लगाते हो उसके बाप के कामों के ऊपर। मेरे वजूद में तो दुनिया में जो भी इसके तासूर हो, मेरी जिंदगी में इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पुराना गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह ने उठाए थे सवाल। नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा था कि इस कलाकार के पिता ने पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू पायलट के रूप में भारत के खिलाफ बम बरसाए थे।